फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ वो है एलकेजी के मैथ्स वर्कशीट। और इसके थ्रू क्या होगा कि हम अपने बच्चों को बहुत आसानी से पूरे एलकेजी का मैथ्स कवर करा देंगे। तो देर ना करते हुए आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप देख सकते हैं कलर रेड इन लॉन्ग और कलर ग्रीन इन शॉर्ट। यानी जो लॉन्ग है उसमें तो हमें कलर रेड करना है और जो शॉर्ट चीज़ है उसमें ग्रीन करना है। तो इससे क्या होगा, बच्चों को लॉन्ग और शॉर्ट में अंतर पता चल जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं ये पेंसिल लंबी है तो इसमें रेड होगा और इसमें ग्रीन। ऐसे इसमें ये शॉर्ट है तो इसमें होगा ग्रीन और ये लॉन्ग है तो इसमें होगा रेड। अब आइए आगे बढ़ते हैं। टिक यानी राइट का निशान है ये। ट्रिक द बिगर क्रॉस द स्मॉलर वन, यानी जो बिग है उस पर टिक का निशान लगाना है, जो स्मॉल है उस पर क्रॉस का निशान लगाना है। इससे बड़ा और छोटे में भी बच्चे को अंतर पता चल जाएगा, क्योंकि नर्सरी के बाद जब बच्चा एलकेजी में आता है तो बहुत सी चीज़ें नई उसके लिए होती हैं, तो इजी वे में हमें उसे बताना है। तो एक मैं आपको बता देती हूँ इसका एग्जांपल। ये जैसे बॉल, ये बिगर है तो इसके नीचे हम लगाएंगे टिक, और ये बॉल स्मॉल है तो इसको क्रॉस। तो इस तरीके से आप बच्चे को करा सकते हैं। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। टिक द इक्वल थिंग्स, जो इक्वल हैं उस पर टिक करना है और क्रॉस करना है जो अनइक्वल हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दो ये आइसक्रीम्स बनी हुई हैं और यहाँ पर दो ही फ्लावर हैं, तो ये दोनों इक्वल हैं तो इसके आगे क्या करना है हमें, टिक। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं थ्री तो ये आइसक्रीम है और दो टॉफ़ी बनी हुई है तो यहाँ पर आएगा क्रॉस। तो इससे क्या होगा, इक्वल सीख जाएगा बच्चा, क्योंकि इक्वल तो आगे बहुत काम आता है। अब देखिए, ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट इफ़ देयर आर मोर ऑब्जेक्ट लेफ्ट ऑन अदर साइड देन पुट अ क्रॉस ऑन द ऑब्जेक्ट। इसमें कह रहा है कि जो इक्वल है केवल उन्हीं पे लाइन ड्रॉ करनी है, जो एक्स्ट्रा होगा उसको क्रॉस कर देना है। तो आपको देखिए यहाँ पे काउंटिंग बच्चों को सिखानी है। ये कैंडल्स हैं, 1 2 3 4, फोर कैंडल्स हैं और इसके सामने बन रही हैं बॉल्स 1 2 3 4 और 5। तो ये यहाँ पर एक्स्ट्रा बॉल बनी हुई है तो हम इस फोर को तो लाइन ड्रॉ कर देंगे और इस फोर को, फोर कैंडल्स को भी लाइन ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल हो गई और ये एक्स्ट्रा है तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। तो इस तरीके से भी आप इक्वल का सिखा सकते हैं। ऐसे ही आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे टू काइट्स हैं और यहाँ पे थ्री आइसक्रीम्स हैं, तो इसी बेस पर आप इसे सिखा सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, काउंट द सर्कल, काउंट एंड सर्कल द नंबर, यानी इसको काउंट करना है और इनके नंबर्स को सर्कल करना है। तो 1 2 3 4, यानी फोर बैलून्स हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कहाँ पर फोर है, तो यहाँ पर फोर इस पे सर्कल हो जाएगा इस तरीके से। और ये मैंने बनाए हैं, इस तरीके से आप करा सकते हैं। काउंट एंड मैच, यहाँ पर क्या करना है, काउंटिंग है इधर साइड और इधर साइड उनके नंबर लिखे हुए हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर उनकी काउंटिंग लिखी हुई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फोर, यहाँ पे काइट्स हैं तो यहाँ देखिए फोर है तो इससे इसका मैचिंग हो जाएगा। ऐसे यहाँ बॉल्स बन रही हैं तो जो नंबर है इसका उससे हो जाएगा। यहाँ पर हट तो उतने ही, जितनी हट बनी हुई है उस पर इसका मैचिंग हो जाएगा। स्टार्स जितने भी हैं उस पर मैचिंग हो जाएगा। आप कुछ और भी इस पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो काउंट एंड मैच भी बहुत काम आता है बच्चों के। आइए अब देखते हैं बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये छोटेपन से ही बच्चों को सिखानी पड़ती है, इसलिए ही इसके सारे ही बच्चे क्या होते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर बच्चे सीखते हैं। तो बिफोर, फाइव पे बिफोर क्या आएगा, फोर, तो यहाँ पर फोर आ जाएगा। इस तरीके से एट के बिफोर कराएंगे, टू के बिफोर कराएंगे। अब बात आती है आफ्टर के, तो एट के आफ्टर आता है नाइन, थ्री के आफ्टर आएगा फोर, सिक्स के आफ्टर आएगा सेवन। इस तरीके से बिफोर एंड आफ्टर सिखाएंगे। और यहाँ पर देखिए बिटवीन है, बिटवीन में एट और एक ये बैलून छूटा हुआ है और यहाँ पर है टेन, तो इन दोनों के बीच का जो बैलून में है वो यहाँ पर आ जाएगा नाइन। यहाँ सेवन है, यहाँ एट आ जाएगा और ये नाइन। तो इस तरीके से भी हम सिखा सकते हैं। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। राइट द मिसिंग नंबर 1 to 20। अब बच्चा अगर छोटा है, अभी बिल्कुल एलकेजी में एडमिशन ले रहा है, तो पहले उसे 20 तक के मिसिंग नंबर आप सिखा सकते हैं। यानी 1 के बाद ये कॉलम छूटा हुआ है तो यहाँ पर बच्चा 2 पुट कर लेगा, ऐसे 3 के बाद 4 5 6, इस तरीके से 20 तक बच्चा कर लेगा। अगर 20 से आगे उसे आती है तो आप 20 से आगे भी करा सकते हैं।
अब बात आती है राइट द नंबर नेम्स ऑफ 1 to 10। नंबर नेम्स क्या होते हैं? ONE, TWO, 2। तो ये सब आप बच्चों को 1 से लेकर 10 तक सिखा सकते हैं। इससे पहले भी मैंने नंबर नेम्स को हम बच्चों को 100 तक कैसे याद कराएं उसकी भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक आपको दे दूँगी और आप उसे आराम से देख सकेंगे। अब आती है कलर द शेप्स, शेप्स को कलर करना। तो ये देखिए सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल और रेक्टेंगल। तो इस तरीके से बच्चा जब शेप में कलर करेगा तो हैंड टू हैंड आप बताते चले जाइए कि ये इस शेप का है, ये इस शेप का है, ये शेप ये है, ये शेप ये है। तो इसमें डिफरेंट कलर बता सकते हैं। तो ये देखिए एडिशन, अगर नया है आपका बच्चा तो ये एडिशन इस तरीके से आप सिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये 2 टॉफ़ीज़ बना दी, उसके नीचे 2 लिख दिया, यहाँ 3 टॉफ़ीज़ बना दी, यहाँ इसके नीचे 3 लिख दिया, यहाँ पर ये टॉफ़ीज़ बना दी टोटल करके, तो यहाँ पर बच्चा भर लेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए शुरू में बच्चे को एडिशन करना नहीं आ रहा है तो केवल काउंटिंग के सहारे वो ऐड कर लेगा। जैसे 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 2 काउंट कर लेगा, यहाँ 3 है तो 3 काउंट कर लेगा, यहाँ पर जितनी टॉफ़ीज़ हैं उसको काउंट करके यहाँ लिख लेगा। उसका आप उतनी टॉफ़ीज़ यहाँ पर बनाइएगा जितना इन दोनों का प्लस हो यहाँ पर। ऐसे यही मैंने बना रखा है सेम, आप कोई और भी इमेज बना सकते हैं। अब अगर ये चीज़ बच्चा सीख जाए तो उसके बाद आपको ये देना है इस तरीके से। इस तरीके से सिखाने का मेथड ये है कि ये 2 बन रहा है तो 2 लाइंस ड्रॉ कराएंगे हम, यहाँ पर भी 2 बन रहा है तो ये भी 2 लाइंस ड्रॉ हो जाएंगे। अब इनको काउंट करना है बच्चे को 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर आंसर आएगा 4। इस तरीके से आपको सिखाना है लाइन ड्रॉ करके। अब नेक्स्ट बात आती है सब्सट्रैक्शन की। सब्सट्रैक्शन में ये देखिए आप यहाँ पर मैंने 3 फ्लावर्स बना रखे हैं, इसके नीचे 3 है, -2 फ्लावर्स और -1। तो इस तरीके से आप सब्सट्रैक्शन भी सिखा सकते हैं, क्योंकि अभी नया नया बच्चा सीख रहा है सब्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। और जब ये बच्चा सीख लेता है तो उसके बाद आते हैं ये नंबर्स वाले। तो नंबर्स जैसे 3 लिख रहा है तो 3 लाइन ड्रॉ करनी है, और यहाँ पर इसके नीचे 1 सब्सट्रैक्ट करना है तो 1 लाइन क्रॉस करनी है। तो अब कितने लेफ्ट ओवर बचे हैं, तो ये देखिए 1, 2, तो यहाँ पर 2। इस तरीके से आप सब्सट्रैक्शन एडिशन सिखा सकते हैं, क्योंकि LKG में इतना ही कोर्स बहुत है बच्चों के लिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।